हेलो स्टूडेंट, डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कह रहा है कि साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो ट्रेपेजियम के लिए बताना है, तो क्वेश्चन है आपका ट्रेपेजियम की शेप में, तो पैरेलल साइड्स आर दिस, एक 25 है और एक 10 है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं 14 और एक है 13, 14 एंड 13। एरिया ऑफ द फील्ड बताना है आपको, तो इसके लिए आपको ये चाहिए होगा, क्या होता है ये एल्टीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 और टोटल ये 25 है। तो अगर हम इस शेप को कुछ ऐसे जोड़ दें, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो एक साइड 13 है, एक साइड क्या है 14 है। अब देखो टोटल 10, यहाँ से यहाँ तक 10 है, टोटल 25 है। अगर 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचता है, कितना आएगा 15 आएगा, तो यानी ये प्लस ये 15 ही तो होगा, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से टोटल ये 15 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये साइड निकालनी है, तो ये साइड हमें कैसे निकल सकती है, एक बार इसका एरिया निकाल लें और एक बार एस वाले फॉर्मूले से एरिया निकालें, एरिया को इक्वल कर देंगे तो एच मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, ए बी सी डी, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो 14 प्लस 13 प्लस 15, तो एस कितना हो गया 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2, अगर तीनों 15 होते तो 45 होता, दो इसमें कम है एक इसमें कम है, तो तीन कम हो गए, तो क्या हो गया 42 अपॉन 2, 2 2 या 4 2 बन गया 2, तो कितना आ गया 21 आ गया, तो 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, तो 21 14 7, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 6, तो इसको ब्रेक कर देते हैं 7 into 3, ये आपका 7 है, यहाँ पर इसको ब्रेक कर देते हैं 4 into 2, इसको ब्रेक कर देते हैं 3 into 2, तो देखो 3 2 और 7 और 4 तो ऑलरेडी है, तो 4 से आया 2, एक 7 आएगा, एक 3 आएगा,
और एक इस टू में से आएगा। 7 2 14 और 14 6 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल है। इसकी हाइट एडी को एच मान लेते हैं, लेट एडी इक्वल टू एच सेंटीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल किसके इक्वल है, ये 84 के इक्वल है। एच इक्वल टू हो जाएगा 84/15 तो 3 5 15 3 2 6 3 24 3 2 6 3 8 28। तो हाइट आ गई आपकी 8 2 16 2 2 4 15 हाइट ही आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा इसके, एक है 10 और एक है 25, तो 10 प्लस 25 डिस्टेंस आ गया 56/5, तो 1/2 ये हो गया 35 इंटू 56/5, 5 7 2 28 जा 8 7 56 5 7 2 14 + 5 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से चेक कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन अच्छा था, ये दो बार आपको एरिया लगाना पड़ा इसमें, एक बार ट्रेपेजियम का एरिया और एक बार ट्राइंगल बना करके आपने 196 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है, बाकी क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइज के होंगे। ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो गया है, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।